प्यार, पैसा और पॉलिटिक्स, महाठग का माया जाल, जैकलीन के आशिक की पूरी कहानी, कभी नटवर लाल हुआ करता था जिसने पूरे देश को हिला दिया, पुलिस को हैरान कर दिया, अब नया नटवर लाल बनकर आया है सुकेश चंद्रशेखर, एक ऐसा शख्स जो हसीनाओं के बीच रहा, जिसके नाम पर दिल्ली में सियासी पारा हाई है, जेल के अंदर हो या बाहर, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की हर तरफ चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश बख्शी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाठग का माया जाल। सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा ठग जो खुद को जैकलीन फर्नांडिस का आशिक बताता है और जिसका नाम नूरा फतेही तक से जुड़ चुका है। गाड़ी, बिल्ली, बाइक और महंगे तोहफे, ये सब कुछ सुकेश ने बॉलीवुड की हसीनाओं को दिए। सुकेश ने जो खुलासे किए, उसने जैकलीन और नूरा फतेही की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ तक कि दोनों से ईडी ने कई राउंड की पूछताछ की। सुकेश की तीसरी चिट्ठी का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको दूसरी चिट्ठी की सबसे दिलचस्प बात बताते हैं। सुकेश ने जो पहले तीन पन्नों का खत लिखा है, उसमें सबसे दिलचस्प पॉइंट उसकी अपनी मोहब्बत का है। सुकेश खत के जरिए पहली बार खुलेआम कहता है कि मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं। सुकेश ने कहा था कि मैंने उसे और उसके परिवार के लोगों को तोहफे दिए हैं, इसमें उसका क्या कसूर, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने एक एक पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से दी है और वो पैसा मैंने कानूनी तौर तरीके से कमाया है। इस बात को मैं जल्द ही अदालत में साबित कर दूंगा। ऐसे में कोई वजह नहीं बनती कि जैकलीन और उसके परिवार को इस केस में घसीटा जाए। मैं चाहता हूं कि ये गैर कानूनी तौर तरीके रुकने चाहिए। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक चिट्ठियां लिख रहा है, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने चिट्ठी में कहा, अगर मैं महाठग हूं तो सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजीपी तिहाड़ संदीप गोयल की शिकायत एलजी को करने के बाद सुकेश ने अब तीन और पन्नों की चिट्ठी एलजी को भेजकर एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की है। इसमें हाल ही में दूसरे पत्र में केजरीवाल, गहलोत पर लगाए गए आरोपों को भी फिर से शामिल किया गया है। महाठग सुकेश के दावों पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले सुकेश के खत ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे किए हैं और साथ ही साल 2017 में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए फंड को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। सुकेश ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई पहली चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रहा है। खुद को जैकलीन का आशिक बताने वाले सुकेश का दावा है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। प्यार और पॉलिटिक्स के बाद अब बात करते हैं जेल में ऐशो आराम की। जेल में महाठग सुकेश की सेवा और सत्येंद्र जैन की खातिरदारी, ऐसी ही विवादों की भेंट चढ़ गए तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को उनके पद से हटा दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने साल भर तक करोड़ों रुपए खर्च कर जेल में हर ऐशो आराम हासिल किया। केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस दौरान जेल में हैं, जिन पर सुकेश के आरोपों के बीच मसाज करवाने के आरोप लगे हैं। आइए अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं। सबसे बड़ा
नटवरलाल कहे जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर जब रोहिणी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में बंद था तो उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो 7 अगस्त 2021 की बताई जा रही थी। पता चला कि ठगे आजम को बकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दे दिया गया था जहां बकायदा पर्देदारी की गई थी। सीसीटीवी को धोखा देने के लिए पर्दे डाले गए थे जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद बवाल मच गया। खबर है कि जेल में इतनी मेहरबानी के बदले जेल स्टाफ को मोटी रकम सुकेश देता था। सुकेश ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पैसा देता था, यानी महाठग का माया जाल जेल में भी फैला हुआ था। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर मोबाइल रहा था। जेल के अंदर से वो बैठकर लोगों को चूना लगाता था और अपना नेटवर्क चलाता था। बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेजा था। तो ये थी सुकेश के प्यार, पैसा और चिट्ठी की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।